देहात में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हिंदी भवन में किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम में उन प्रतिभागियों की खोज की गई जिनकी पृष्ठभूमि प्रायः जनपद के सुदूर क्षेत्रों से आती है। इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, वंदन जैसी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडल द्वारा विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया गया, जिनका विवरण इस प्रकार है। एक टिस्टम्पोर में प्रथम, प्राची द्वितीय, सुप्रिया नैन्सी लोक नृत्य में प्रथम, क्षमा सोनल अनुभव, शास्त्रीय वादन में श्रीकृष्ण श्रीवास्तव हर्षित, शास्त्रीय गायन में राहुल प्रथम, GGIC टीम, षष्ठी नाटक कठपुतली, सरवनखेड़ा मिशन शक्ति एवं सड़क सुरक्षा में GGIC पुखराया, बेटी बचाओ में श्रीमती शिवकली देवी इंटर कॉलेज विजयी रही। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी नेहा जैन ने सभी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया और उनकी कला की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा अवश्य लें तथा सभी लोग अपने घरों में तिरंगा झंडा अवश्य लगाएं। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी मनोज कुमार यादव, DIOS अरविंद कुमार द्विवेदी इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम में समाज सेवी कंचन मिश्रा व विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागी युवा आदि उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। जो कि हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करते हैं, उनके लिए गुरुग्राम करते हैं।